क्या था ये? ये नया है ना भैया, वो तुर्की में ऐसे करते हैं। ये तुर्की है, आपके लिए सीखा है भैया। भैया क्या की इमोशनल कर देता हूँ मैं तो, कोई गलती, आराम ना, हौली हौली, कोई जोकर पाल रखे एक से एक मैंने यहाँ। हाँ मैडम, इन्हीं की वजह से मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अड़ोशन पड़ोशन ऋतिक रोशन आइडिया आ रहा है। अड़ोशन पड़ोशन आ रहा है तो क्या मैं जो है कांचा चीना बन जाऊं थारे लिए, फिर देगा आइडिया? हाँ तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है मैडम कि ये जो डरपोक डिसूजा है ये खुद अपने हाथों से शेविंग क्रीम लेके अपने गालों पे यूं मल के झाग बना के सो जाता हो। देख भाई, वैसे तो हमारे बंदूक में जो है रिवाल्वर में 6 गोलियां ही एक बार में फिट आवे अनफॉर्चुनेटली, बट थारे लिए जो है ना मैं 8 घुसेड़ दूंगी थारे अंदर। नो वो खुद करके आएगा, खुद रोता हुआ यहाँ चौकी में एफआईआर लिखाने। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है मैडम, ये काम वो अपने होश में नहीं करेगा। तेने ज्यादा हंसी आ रही काम के वक्त? मैडम इन्होंने बात ही ऐसी कर दी मैडम, ये कह रहे हैं कि वो ये सब चीजें अपने होश हवास में नहीं कर रहे। अब मैडम क्या आदमी खुद बेहोशी में जाके झाग अपने मुंह पे लगा के और फिर घूमेगा? Well, बिल्लू इज राइट इज द गुलगुले ने कर दी हाइट इज द। देखो ऐसा, इसको जरा इसकी बात कंप्लीट करने लो, पूरी सुन लो इसकी बात, फिर अगर इसने बोर्डम पंक्ति की करी तो पीछे है ही खाली मैदान है, वहाँ कोई आता जाता नहीं। वहीं मैडम फावड़ा ले आऊं मैं? एक मिनट, करेक्ट है मैडम, पूरी बात तो सुन लेते ना मैडम। देखिए कई बार ऐसा होता है कि इंसान नींद में चलता है, नींद में कुछ काम कर जाता है और जब सुबह जागता है उसे कुछ याद नहीं रहता कि रात को नींद में क्या हुआ था। नहीं मैडम, मेरी एक मौसी थी, वो नींद में पकौड़े बनाती थी और मैं उन्हें खा जाता था। जब वो सुबह जागती थी उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, बस मुझे याद रहता था कि मैंने पकोड़े खाए हैं। कैसी कैसी बीमारियां हो बे लोगों ने। मतलब थारे कहने का यो है कि एक आदमी नींद में चल रहा है और नींद में चल के उसे बेरा कोई ना, वो यो सब कर रहा। हाँ मैडम यही है कहने का मतलब। तो सही है, काम करो तीनों जाओ आज उसके घर रात में छुपके दुबक्के और देखो जरा कौन नींद में चल रहा है और के चल रहा है वहाँ। भीगे होंठ मलिका सराबत, हम क्या जाने, तुम आपस में भाई भाई हो रहे हो, पर्सनल रिलेशन में हम कानून कुछ ना कर सकते ना। बेस्ट है इसके लिए, सही इसको नहीं लेके जा रहा मैं। बड़ा अचार ले आओ जरा। अरे देखिए आप लोग जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल सही नहीं है, पर मैं एक बार रात को सोता हूँ तो सीधा सुबह ही उठता हूँ जाग के झरोके से। Well, इसका भी चल जाएगा पता इसदा, इसमें किसकी है खता इसदा। देखो आज तो तुम एक काम करो, तुम बस सो जाओ, क्योंकि आज हम एक ऐसा आइडिया लेकर आए हैं कि अगर तुम नींद में चलना भी चाहो तो चल नहीं सकोगे, झाग की आग में जलना भी चाहो तो जल नहीं सकोगे। झाड़ू मारने का है अबे बिल्लू, एक मिनट। कुछ हुआ था क्या?
ये क्या हो रहा है ये? वो सब तुम छोड़ो, तुम बस सोने के लिए तैयार हो ना? हाँ, मैंने मुंह धो लिया है, मैं सोने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्या करने वाले हो झाग के झरोके से? तुम नींद में नहीं सकोगे चालीसदा, इस केस का फैसला हो जाएगा कालीसदा। हाँ। यार गोपी, बहुत नींद आ रही है यार। या सोना नहीं हम लोगों को, पूरी रात किसी भी हालत में जागना है। अगर भैया हमको नींद आएगी ना तो बारी बारी से जाके मुंह धो लेंगे, लेकिन आज किसी भी हालत में हमें रात भर जागना होगा। ओके। ए? ये तो खुद चला गया यार। तो मैं क्या करूं, मैं तो जूनियर हूँ ना, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। आपने इतने टाइम से और इतने पुराने, आप तो बोल सकते थे कि रुक जाओ मत जाओ, बच्चे को जाने तो पहले उसको नींद आ रही होगी। हाँ तो अभी गया है तो वापस भी तो आएगा ना। तो आप क्या करोगे फिर? तब मैं चला जाऊंगा मुंह धोने। ओह माय गॉड, इसके हाथ पैर तो बंधे हुए, फिर इसके ये दाढ़ी कहाँ से आ गई? कौन लगा गया झाग? चुड़ैल। उस चौड़ाल बात कुछ समझ में ना आ रहा हमारी। अगर इस आदमी के हाथ पैर बेड से बंधे हुए थे तो उसका मतलब ये नींद में तो ना चला, और नींद में ना चला तो इसने अपने मुंह पे भी ना मली ऐसे बिंकी क्रीम। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई भूत या चुड़ैल है जो मेरी जिंदगी की शेविंग करना चाहती है झाग के झरोके से। हाँ मैडम, हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने तो एक सेकंड के लिए भी अपने पलकें नहीं झपकाई। मैडम हमारे मतलब कमरा अंदर से लॉक था, खिड़की भी लॉक थी, और ये तो पलंग से बंधा हुआ था मैडम, और हम भी वहां थे। लेकिन मैडम कौन आया, कब आया, क्या हुआ, इसके चेहरे पे झाग कैसे बन गए, पता नहीं मैडम, भूत भूत भूत। हाँ मैडम, हम लोग तो सोए भी नहीं, और हमने आपस में बात भी की थी कि कोई सोएगा नहीं, और अगर जिसको नींद आए तो बाथरूम जाना है और मुंह धोना है, लेकिन नहीं सोना है। तो भैया को सबसे पहले नींद आई थी और वो गए थे बाथरूम में मुंह धोने, और फिर टॉवल से पोछते हुए जैसे ही वो आए तो हमने देखा झाग। भूत वाला भाई, दिस शौक इज द, आप मुझे देख के ऐसे क्यों रहे हैं चौक इज द। अबे गोपी, तेरे मुंह पर ये शेविंग क्रीम को झाग कैसा है? सेम टू सेम। हाँ सच में भैया, बिल्कुल ऐसे ही शेविंग क्रीम का झाग आपके मुंह पे भी लगा हुआ, लेकिन आप तो यहाँ बैठे हो तो झाग कहाँ से आ गया ये? ओह माय गॉड। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में जरूर कोई है मैडम। पहले उसने मेरी शेविंग की और अब की बार इनकी शेविंग कर डाली झाग के झरोके से। मिश्रा क्या कांड है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूज है हम तो। पर हमारी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। मिश्रा क्या कांड है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूज है हम तो। पर हमारी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। सुन तू सोने से पहले क्या कर रहा है? गॉड को याद करता हूँ। अबे सोने से पहले कोई और काम करे, रिजीम मतलब नहाता वहाता हो, ब्रूस करता हो, कुकिंग वगैरह करता हो कुछ।
जस्ट सोने से पहले? हाँ हाँ, सोने से पहले मैं मतलब नाइट ड्रेस चेंज करता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, अपना मुंह धोता हूँ और टॉवेल से पोंछ लेता हूँ, झाक के झरोके से। टॉवेल से मुंह पोंछ के? और जैसे कि बिल्लू ने बताया, गोपी को भी नींद आ रही थी और यो थारे बाथरूम में गया, इसने मुंह धोया और थारे टॉवेल से मुंह पोंछा। थारा ही टॉवेल है ना? इसने तो अपना सर जरा टॉवेल। अबे 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 कौन धोता है बे तुम्हारे कपड़े? मैं थोड़ी ना धोऊंगा, मैं तो गुहा रहा हूँ ना, धोबी को धोने के लिए दे देता हूँ झाक के झरोके से। गुलगुले धोबी? समझ गया मैडम, समझ गया समझ गया, धोबी। अभी जाके उस धोबी को धोता हूँ मैडम। सुन जरा, आइयो आगे जरा। क्यों क्यों क्यों, लेकिन क्यों इतनी जल्दी में? प्राण पखेड़ उड़ने वाले हैं, किसी ने इंटीमेशन दिया ऊपर से यमराज वगैरह ड्रीम में आए, नहीं तो क्यों? अबे पहले इस टॉवेल को जरा फोरेंसिक जांच के लिए तो भेज। धोबी का क्या है, वो कहाँ भग रहा, उसे तो कभी भी धो लेंगे। ओके सर, सर, सर। अबे बुढ़ाओ क्या है बे? वेल सर, आ गई है तौलिए की रिपोर्ट इज द, लखनऊ में है अमोशी एयरपोर्ट इज द। वेरी गुड रिपोर्ट, कहाँ है आपकी तारीफ? बाय द वे, माई सेल्फ साइंटिस्ट चुन्नू चिरंजी, जिंदगी केमिकल है। माफ कीजिएगा लेकिन नाम से तो आप चाट पकौड़ी बेचने वाले लगते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि चाट पकौड़ी भी एक केमिकल है। तुमने जो बात कही है ये भी एक केमिकल है, जिंदगी केमिकल है। हाँ जिंदगी केमिकल है, लेकिन आप जरा ये टॉवल की रिपोर्ट क्या है वो बताइए ना। टॉवल की रिपोर्ट ये है कि इसमें एक विशेष प्रकार का केमिकल मिला है। और उस विशेष प्रकार के केमिकल से होता क्या है बे? उस विशेष प्रकार के केमिकल के लगने से होता ये है कि कुछ घंटों बाद हवा के संपर्क में, वायु के संपर्क में आने से एक विशेष प्रकार का झाग बनता है, बिल्कुल वैसा ही झाग जैसा शेविंग क्रीम का होता है। जिंदगी केमिकल है। ए, सर, ओह माय गॉड, ऐसे कैसे सकता है हो इस दा? कल प्याज काट काट के रहा था मैं, रो इस दा। हो क्यों नहीं सकता दादाजी? आप मेरे कपड़े देख रहे हैं, ये कपड़े नहीं है, केमिकल है। ये मेरे बाल, दरअसल बाल नहीं है, केमिकल है, असल में तो मैं गंजा हूं। और ये चश्मा, ये भी केमिकल है? नहीं, ये असली है, बाकी सारी दुनिया केमिकल है। समझ गए हम, समझ गए हमारी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है रोज रात सोने से पहले जब डरपोक अपना मुंह धोता है और इस तौलिए से मुंह पोंछता है तो उसके मुंह पर झाग आ जाता है क्योंकि इस टॉवल में केमिकल लगा हुआ है बे। मतलब टॉवल में केमिकल किसी ने लगाया है सर, मतलब धोबी। मैं कहाँ है सब लोग? गलती हो गई। अच्छा साहब जी, आप हमको यहाँ कहाँ पकड़ के ले आए हैं? अरे हमको इतने कपड़े धोने हैं, दाग दबंग है। चुपचाप खड़े रहे वरना कपड़े बाद में धुलेंगे, पहले तुम्हारी धुलाई हो जाएगी यहाँ पे। yes! अरे लेकिन हमारा कसूर क्या है? दाग दबंग है। तुम्हारा कसूर ये है। एक मिनट, पहले तुम ये बताओ कि तुम इस आदमी को पहचानते हो या नहीं, डरपोक। अरे अरे ये तो डरपोक बाबू है, हम तो इनके कपड़े धोते हैं, दाग दबंग है। और कपड़े धोते धोते तुम इनके टॉवेल में केमिकल मिला देते थे जिसकी वजह से इनके चेहरे पे शेविंग क्रीम की तरह का झाग आ जाता था। हैं कबूतर गुटरगू गुटरगू। अरे ये तुमने हमारे साथ क्या किया झाग के झरोके से? अरे बाबूजी हमने कुछ नहीं किया है, दाग दबंग है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा।
शार्प शूटर गन मास्टर को मुझे बुलाना ही पड़ेगा यहाँ पे। गन मास्टर राजन जीना जीना हम है शार्प शूटर, निशाना लगाते हवाई जहाज पर फ्रॉम स्कूटर। क्या बात, जब चलाते हैं बुलेट सामने वाला जाता है उलट। शार्प शूटर, शार्प शूटर, जरा ये बताओ कि तुम्हारी गन में कितनी गोलियां हैं? Only 250 in each. My God. 250 each मतलब 500 गोलियाँ, 400 इनके पेट में और 100 इनके फेस पे। बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ भाई। अरे हम अपने पत्नी का इकलौता पति हूँ। देखो साहब जी, इनकी तौलिया में जो है ना वो केमिकल लगाने के लिए हमको किसी ने दिया था, दाग दबंग है। कबूतर अब तुम्हें एक और तौलिया में केमिकल लगाना होगा, और वो तौलिया उसका तौलिया होगा जो तुम्हें इनके तौलिया में केमिकल लगाने के लिए कहा करता था। वाला हुदा शीदा फेलो इज द, पानी में उतर गई बफेलो इज द। दादाजी मैं बताता हूँ, उसका नाम बताता हूँ, दाग दबंग। अरे जो भी, ये क्या है? मेरा नाम है भवर भरबड़िया, सिग्नल तोड़ के यहाँ भ्रू, मेरा तकिया कलाम है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पड़ोसी, बाकी आपको सलाम है। अरे अरे, लेकिन तुम हो कौन, डाक दबंग है? अच्छा, अब हमको पहचान नहीं रहे हो? हम है भंवर भंवर भरबड़िया, सिग्नल तोड़ के। अरे भैया देखो इनकी शक्ल, देखो पहचानो इन्हें, ये मेरे वही पति हैं जिनकी जुल्फे कभी जलजला हुआ करती थी, और आज देखो उजड़ा मैदान जैसे रेगिस्तान। मम्मी परेशान है। अबे तूने ये केमिकल डाल दिया मेरे टावल में है, सिग्नल तोड़ के अम्बू, वाह मेरी चाल मुझ पर ही। एक बात बता, तुझे ये बाल उड़ाने वाला केमिकल दिया किसने? किसने दिया? हमने दिया केमिकल, वो भी साइंटिस्ट चुन्नू से लेके है भाई। तने के लगा तू घना चतुर सेन शास्त्री हो रहा है, ये पड़ गई थारी चाल उल्टी, उड़ गए तोते। तोते नहीं, तोते नहीं, बाल उड़ गए, बाल। ओ यार अंकल जी, ये जो धोबी है ना, इसने तो सब कुछ बक दिया है। अब आप भी जरा सच सच फटाफट सब कुछ बोल डालो, अपनी ये बची कुची जुल्फें खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग की एयरलाइन उड़ गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की, मेरा मतलब है गुस्से वाली है। ऐसा थारी सारी हमने जो है रपट निकलवा ली है, केमिस्ट्री का टॉपर रह चुका है ना तू, के गलत इस्तेमाल कराया तेने अपनी विद्या का है। इस धोबी को खरीद के उस बेचारे बैचलर आदमी के जो ये कपड़े धोता था है, तेने इसे खरीद लिया, और फिर यो उसके टावल, बाथरूम के टावल में तेने केमिकल मिला दिया, ताकि वो बेचारा रोज रात को जब अपना मुंह धो के वाश करके अपना मुंह पोंछ के सो जावे, तो अगले 2-3 घंटे में केमिकल जो है इसके फेस पर रिएक्ट करे और झाग बन जावे। वाह वाह, बोल सही है ना यो? अरीब तू बताएगा तैने यो सब क्यों करा? बोल। बता रहा हूँ, मारिए मत, बता रहा हूँ मैडम, दरअसल ये सब मैंने इसलिए किया ताकि ये डरपोक डर के वहाँ से फ्लैट छोड़ के भाग जाए, सिग्नल तोड़ के आम, और ये बात फैल जाए कि उस फ्लैट में इस तरह की घटनाएं होती हैं, ताकि मैं औने पौने दाम में वो फ्लैट खरीद सकूँ, सिग्नल तोड़ के आम। मम्मी परेशान है, और मैडम हम अपना घर बड़ा सा बना सके बीच की दीवार तोड़ के। बड़ा घर करने का सपना अब आपका पूरा होगा, क्योंकि जेल बहुत बड़ी होती है। Well, you are under arrest is the, अब जेल में करना रेस्ट इज द। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।